नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, अभी मैंने आपको बताया नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, दिस इज एल्बो जॉइंट एंड ये जो पैरों में घुटनों का होता है ये नी जॉइंट है, तो ये एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, केवल हम अपने मूवमेंट को एक ही प्लेन में कर सकते हैं। मैं अपने हाथ को इस तरह से ये कर सकती हूँ, बट मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बेंड नहीं कर सकती, एक ही प्लेन में मूव कर सकती हूँ, नीचे यहाँ मूव नहीं करवा सकती, तो बोलते हैं हिंज जॉइंट। सो द आंसर इज हिंज जॉइंट। जब भी नी जॉइंट या फिर एल्बो से रिलेटेड ऐसा वर्ड आ जाए सीधा वन प्लेन में, है ना, इट इज आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में मूवमेंट, तो बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। आंसर इज हिंज जॉइंट। सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट जॉइंट, ये सब सिनोवियल है, बट नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट की बात करेंगे तो हिंज।